हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैं बोला था कि अब मैं आपके सारे कमेंट के जवाब देने वाला हूँ। उस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट अपडेट दी थी NBS के बारे में। तो उस वीडियो के अंदर आपके जितने भी यहाँ पर कमेंट्स आए हुए हैं उसके सारे आपको जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और क्या क्या आप लोगों के सवाल आए थे उसके क्या क्या जवाब मैं देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके के आगे और सेशन लाता रहूँगा, तो इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर दीजिएगा आपका कोई भी डाउट बनता है तो, ठीक है। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट अपडेट करके NBS के रिगार्डिंग, ठीक है, कल में। तो यहाँ पर आपके जितने भी कमेंट्स आए थे मैंने सारे यहाँ पर ले लिए। तो क्या क्या कमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिले, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एनी लॉन्ग करके लिखते हैं, हाय, आई एम हैविंग प्रॉब्लम अप्लाइंग ट्राइंग टू रजिस्टर थ्रू आधार नंबर बट इज़ नॉट प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आप ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे तो किसी भी ऑनलाइन पास वाली जो ऑनलाइन दुकान है ना, वहाँ पर चले जाना, वो आपको प्रॉपर बता देगा कि किस तरीके से ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। अलका करके लिखती हैं, सर NBS मेस हेल्पर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम अपलोड करना पड़ेगा क्या, डिटेल वीडियो बनाइए एंड प्लीज़ रिप्लाई मी। तो देखिए, इसके लिए शायद इसमें ऑनलाइन का अप्लाई होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपलसरी है। आपको कुछ तो उसका डाटा वगैरह वहाँ पर डालना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं इसका पेपर दे लेती हूँ फिर बाद में पैसे दे के इसको बनवा लूँगी, तो बिल्कुल ये गलत तरीका है क्योंकि उसमें जो डेट मेंशन होगी वो 30 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है। 30 अप्रैल तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें उसका डाटा वगैरह डालना होगा कि कब आपने इसका सर्टिफिकेट लिया था, किस संस्था से लिया था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये आपका ये मोटिव है कि मैं अभी भर देती हूँ, बाद में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं पैसे देकर बनवा लूँगी, ये गलत तरीका है क्योंकि 30 अप्रैल तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। हेल्प फॉर्म स्माइल हैव हेल्प फॉर स्माइल लिखते हैं, सर जी फॉर्म फिल करना समझ नहीं आ रहा, स्टेट का कास्ट डालना है या सेंट्रल का, अभी बना नहीं है, प्लीज़ बताएं। भाई ये आप भी ये गड़बड़ कर रहे हो कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवा रहे हो। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, मैंने बताया था 30 अप्रैल तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो आप फॉर्म भर रहे हो तो अभी तो उसमें स्टेट का डाल लो, बट दो दिन के अंदर 29 और 30 तारीख में आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा आपको DB के समय, अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो, ठीक है। चलिए यहाँ से नीचे हम कर लेते हैं, ठीक है, नीचे देख लेते हैं नीचे क्या क्या है। तो ये लिखते हैं आपके सूरज लिखते हैं, एड्रेस का पिन नंबर गलत दे दिया, सबमिट हो गया है, कुछ इश्यू होगा क्या। तो जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगी 2 मई को, वहाँ पर आप इसे करेक्ट कर लेना, वैसे इतना इशू नहीं आने वाला है एड्रेस में, ठीक है। अरे सर, हमें नहीं भरना फॉर्म, 1500 नहीं है मेरे पास, 1300 पोस्ट के लिए CHSL का डाला है। हाँ कोई नहीं भाई, 1500 नहीं है कोई दिक्कत नहीं, देखो पैसे वाली बात है तो फिर अलग बात है ना, बाकी अगर भरना है तो इसमें CHSL से काफ़ी कम कंपटीशन होता है। MD नजीम लिखते हैं, सर OBC सर्टिफिकेट में नेम की स्पेलिंग गलत थी, वो ही अपलोड कर दिया, अब क्या होगा, है ना। अब कुछ नहीं होगा, देखिए नेम की स्पेलिंग गलत है तो अपलोड हो गया, अगर करेक्शन के समय अगर ये सही हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप एक काम करिएगा, जब आप DB के लिए जाएँ तो वहाँ पर जिसमें नेम करेक्ट है वो वाला लेके जाना और एक एफिडेविट बनवा के ले जाना जिसमें आपका सब कुछ लिख देना कि ये मेरा सही है और ये मैं गलती से हो गया था, ठीक है, तो वहाँ सही कर देंगे, ठीक है, नाम में इतना कोई नहीं होता। ब्रदर, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, मत करना भाई, लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, मतलब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फॉर्म आप भर दोगे स्टेट के सर्टिफिकेट से, बट सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपके पास 30 अप्रैल तक होना चाहिए। सोना बोहर लिखते हैं कि भैया, मैंने फॉर्म फिल करते टाइम OBC सर्टिफिकेट स्टेट का डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेट का डाल दिया, बट जब आप DB में जाएंगे तब वहाँ पर सेंट्रल का होना चाहिए, 30 अप्रैल तक का होना चाहिए, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल का है पर अक्टूबर 2022 का है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, DB में रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे क्या। नहीं भर सकते हो, OBC का तो शायद चलता है ना, वो शायद लाइफ टाइम के लिए होता है ना, OBC वाला जो सेंट्रल का होता है ना, वो तो चल सकता है। अभिषेक लिखते हैं, सर एग्ज़ाम सेंटर में 3 चॉइस में स्टेट एक ही फिल कर सकते हैं और सिटी अलग अलग, प्लीज़ रिप्लाई सर। हाँ सिटी बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं ना, एक ही स्टेट में 3 सिटी कर सकते हैं, या फिर उसमें वो देगा आपको, है ना, जितने एग्जाम सेंटर है उसकी लिस्ट देगा, ऐसा नहीं होगा कि एक सिटी में आपको जितने लिस्ट दे रहा उसमें से आप जो आपको पसंद है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। GK के नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं सर, ये मैं आपको दूंगा, आप टेलीग्राम से जाकर ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आई एम बैक तो ऐसे लिखा है जैसे शाहरुख खान आ रहा है, अरे वही वही वही, है ना सर, शाहरुख खान से कम नहीं है, जी कौन लिख रहा है, रितेश कम नहीं है सर, हमारे लिए बहुत मेहनत करता है, अरे रितेश भाई थैंक यू, अरे कोई नहीं यार,
आर्टिस्ट लैंड भी कोई बात नहीं, मजाक चलता है कभी कभी, तेरी क्यों चले, अरे भाई ऐसा नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं, अरे अच्छे से बोल, रहे बोल, तेरे दादा की उम्र कम, अरे कोई ना यार, काय के लिए लड़ रहे हो, तो क्या शाहरुख खान तुमको रोजगार दे देगा जो इनता जल रहा है, अरे कोई ना भैया, संजीता प्रसाद, संजीत प्रसाद करके, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं। अगला है, यूज़र लिखते हैं, सर जीके कंप्यूटर इंग्लिश से हो जाएगा, जीके कंप्यूटर इंग्लिश से हो जाएगा, हिंदी मेरा अच्छा नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई, हिंदी के लिए मैं क्लास चलाऊंगा, उतनी क्लास ले लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। सर NVS एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें, तो इसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, एक दो दिन रिफ्रेश करिए, दोबारा से लॉग इन करके इसको करिए तो हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार NVS को रिप्लाई कर देना, या फिर पास के ही ऑनलाइन दुकान पर जाकर वहाँ से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। चलिए भाई, मैंने EWS के लिए अप्लाई करा हूँ, अभी तक नहीं आया है, माई EWS और जनरल से अप्लाई करूँ, प्लीज़ बोले। देखिए, अगर नहीं आया है और अगर उससे आप पूछना जिसके लिए आपने अप्लाई करा है तो किस डेट का वो बना के देगा, अगर बैक डेट का देता है तो बिल्कुल EWS से अप्लाई कर देना, नहीं है तो फिर जनरल से करना, ठीक है। अरबाज खान लिखते हैं, सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कंप्यूटर प्रोफाइल इन MBBS, यूट्यूब पर कहीं अवेलेबल नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोफाइल, अरे कंप्यूटर ऑपरेटर बेसिकली आपके जो RO होते हैं, वो जो हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ पर इसकी जॉब होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वही करना है आपको, सिंपल सा है ना ये चीज़ है ना। ऑडिट असिस्टेंट के अकाउंट की क्लासेस कहाँ से करें, आप यूट्यूब पर डाल देंगे कि अकाउंट क्लासेस फॉर SSC वाले डालना है ना, SSC अकाउंट क्लासेस, तो वो वाली आप क्लास ले लेंगे तो ऑडिट असिस्टेंट का उसमें आ जाएगा, ठीक है। NVS JSA में कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का लगेगा, हाँ सभी पोस्ट के लिए सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। भैया कंप्यूटर का थोड़ा टेंशन है, कैसे तैयारी करूँ, इसके लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको, मेरा जो सेकंड चैनल है ये वाला द एग्ज़ाम हेल्पर GK वाला, ठीक है, इस पर आप चले जाना, ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, योर चैनल पर जाएंगे, ठीक है, योर चैनल पर जाएंगे, माय चैनल प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, जो मेरा द एग्ज़ाम हेल्पर GK चैनल है सेकंड, यहाँ पर क्लासेस चल तो रही हैं आपकी, ठीक है। कंप्यूटर की देखिए दो क्लासेस आ गई हैं, वो क्या आपकी 5 क्लासेस हो गई हैं, वर्णमाला की 1 क्लास हो गई है, प्रीवियस ईयर के 2 पेपर हो चुके हैं, ठीक है, सारा कुछ मैं यहाँ पर आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है, डेली आपकी क्लासेस आ रही हैं तो यहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। भाई स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ बताएं कहाँ पर मिलेगा, ये आप टेस्ट बुक से ले सकते हैं, टेस्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसको परचेस कर लेना, पास प्रो वाला कूपन कोड मेरा डाल देना, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर चले जाना, वहाँ पर मैंने आपको कूपन कोड के बारे में जो डिटेल्स है वो दे रखी है टेस्ट बुक के एप्लीकेशन की, जहाँ पर आपको उसमें डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी दे दनादन सेल चल रही है, तो इसमें चले जाना, यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरा द एग्जाम पर, ठीक है, ऊपर सर्च मार पर सर्च करके, और यहाँ पर लिंक वगैरह है, यहाँ से कर लेना, सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह हैं सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हेलो सर, बुक्स कौन कौन सी लें, इसके लिए मेरा बेस्ट बुक का वीडियो देख लेना, वो अवेलेबल है चैनल पर, ठीक है। हिंदी के लिए क्या करें, EMRS की स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट कब हो सकती है, अब तो ये देखिए EMRS की स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो अपडेट है वो आपकी ये जो चुनाव हो जाएंगे उसके बाद आएगी, ठीक है। और हिंदी के लिए क्या करना है, मेरी क्लासेस चल रही हैं तो वो आप फॉलो कर लीजिए, कल से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। सर इसका क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता है क्या, मिलता है पर ये आप, मैं बोलता हूँ टेस्ट बुक के जो है ना वो बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है, टेस्ट बुक आप ले लीजिए, ठीक है। सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड रिसोर्स, में अभी मैं ग्रेजुएट अपियरिंग हूँ, सर मैं अभी ग्रेजुएट अपियरिंग हूँ, सर हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम, कुछ नहीं है, आप मेरे वीडियोज देख लो, मैंने उसमें पूरा गाइड किया वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं, ओके। चलिए भाई, मैंने EWS से फॉर्म डाल दिया है, मेरा EWS सर्टिफिकेट मार्च 2024 में एक्सपायर हो गया, नया EWS सर्टिफिकेट अभी बन के नहीं आया है, कुछ दिन में नया आएगा, तो EWS सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, देखिए बन के भले ही आ जाएगा है ना, तो आपने जो फॉर्म भरा है वो मार्च वाले से भरा, बट ये इनवैलिड हो गया ना, तो आपने फॉर्म कब भरा था, मार्च में तो फॉर्म इसके निकले नहीं, शायद अप्रैल में निकले ना, मार्च में निकल गए थे ना, तो उस डेट के अंदर आपने भर दिया, जब तक आपका ये वैलिड था तब तक तो ठीक है, फिर आप नया बना के ले जा सकते हैं, अगर एक्सपायर के बाद भरा है तो दिक्कत होगी, फिर आपको चेंज करना होगा, जो नया वाला है वो डालना होगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला है, मेरा क्वेश्चन है कि कल आफ्टर ज्वाइनिंग NVS एज अ JSA क्या मैं मेरे बच्चे को NVS में एडमिट, हाँ आपके बच्चे जो है NVS में ही पढ़ते हैं, ठीक है, NVS के स्टूडेंट स्कूल में फ्री पढ़ते हैं आपके, है ना, फ्री एजुकेशन मिलती है। ज्वाइनिंग तक कितना टाइम लगेगा सर, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना, इसकी मैंने पूरे प्रॉपर वीडियो बना के दिया आपको पूरी डिटेल से कि किस तरीके से टाइम होगा, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाना भाई, है ना, यूट्यूब चैनल पर चले जाना प्लेलिस्ट सेक्शन में, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यूट्यूब पर जाना, ठीक है, यूट्यूब पर जाएंगे, यहाँ से मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाएंगे, योर चैनल पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है,
प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये दिखेगा NVS एग्जाम 2024 की प्लेलिस्ट, यहाँ पर 31 वीडियो है, इसमें आपके लगभग सारे डाउट मैंने जितने हैं वो क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, चलिए आप चलिए इसके बाद और भी हम कमेंट ले लेते हैं, है ना। ये रहा, है ना, बहुत सारे कमेंट किए आपने। दिव्या करके लिखती हैं, है ना, थोड़ा सा ऐसा करते हैं इसको, रुकिए, है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा चाहिए। ठीक है, दिव्या करके लिखती हैं, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपन, अब दिखेगा आपको, है ना। दिव्या लिखती हैं, सर प्लीज़ प्रोवाइड अ डिटेल सिलेबस फॉर GSA पोस्ट, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सर। ठीक है, इसका मैं करा चुका हूँ दिव्या जी, वो प्लेलिस्ट देख लेना, एग्जाम डेट और GSA का कंप्यूटर का सिलेबस भी बता दो। भाई बता चुका हूँ ये सब कुछ, उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। NVS ऑडिट असिस्टेंट सब्जेक्ट डिटेल एंड CBSE का भी, है ना, इसके लिए मैंने टेलीग्राम पर बहुत सारे अपडेट डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम, NVS GSA में टोटल कितने फॉर्म भरे गए। भाई आपको एक पोस्ट चाहिए ना, ये फॉर्म वॉर्म क्या क्या मतलब क्या मिलेगा आपको इससे, फॉर्म कितने भरे गए, है ना। अगर 200,000 फॉर्म मान के चलो, 50,00,000 फॉर्म भर गए, तो क्या आप एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे। आपने फॉर्म भरा है, आपने फीस भरी है, तो आप तो एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आपको जॉब नहीं चाहिए, तो भाई क्यों ये फालतू के नाटक करते हो, इतने फॉर्म भर गए उससे क्या करना। आप अपनी तैयारी करो अच्छे से, फॉर्म से कितना मरना, आपको तो एक पोस्ट चाहिए, फॉर्म चाहे 1 करोड़ भर जाए 2 करोड़, आपको तो एक जॉब चाहिए ना, तो अपना तैयारी करो, फॉर्म से क्या मतलब है आपको, है ना। सर फॉर्म करेक्शन कब होगा और कैसे करें, 2 मई से होगा आपका, तो 2 मई को लिंक अपडेट हो जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इसमें करेक्शंस कर सकते हैं। सर GA और कंप्यूटर का भी बता दीजिए कैसे करना, ये मैंने बता रखा है आपको। बेस्ट वर्क बेस्ट टीचर वाला देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला देख लेना वहाँ पर, और स्ट्रैटेजी का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा आज की डेट में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। वॉइस पहले से क्लियर आ रही है लेकिन वॉल्यूम लो आ रहा है, हाँ वो कल मैंने थोड़ा सा इशू था उसमें देख लिया था मैंने, मैं आज उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, सर स्टेनो के कट ऑफ का कितना सह सकते हैं, डिडक्शन कैसे आते हैं, डिक्टेशन कैसे आते हैं, ठीक है, डिक्टेशन कैसे आते हैं, ओके ओके ओके, ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी डिक्टेशन में आपने स्टेनो अगर कर रखी है तो आपको ये मालूम होगा, ठीक है ना, उसमें डिक्टेशन वगैरह ऑनलाइन होता है सब कुछ, तो उसमें मत आओ, ठीक है। थैंक सर, भाई सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ये सिलेबस मैंने बना के आपको दिया हुआ है, सिलेबस इसका कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने खुद प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाया है, तो वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, भाई ये बता दो कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, भाई बता रखा है यार कहाँ से पढ़ें, बेस्ट बुक बेस्ट टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ खुद, मेरी क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पर आप जाएंगे देखिए, ये NVS कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, तो इसमें देखो ना आप जाके, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके चलिए दोबारा आ जाते हैं इस पर, भाई यार 22 अप्रैल को फीस सबमिट किया था, है ना, एक सेकंड, ये बोल रहे हैं भाई यार 22 अप्रैल को फीस सबमिट किया था NVS GSA, अभी तक ना रिफंड हुआ और ना ही सक्सेसफुल हुआ, है ना। भाई अब ये प्रॉब्लम तो भाई NVS वाले अब तो ये तो देखो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसके लिए आपको NVS से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या पास के ही ऑनलाइन शॉप पर जाकर आप वहाँ से इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें करना पड़ेंगी। ओके चलिए, सर वोकैब की आगे की वीडियो भी प्रोवाइड कर, हाँ करवा दी, आज आपकी 4th वीडियो आ चुकी है। ठीक है, टाइपिंग सर्टिफिकेट भी मांगते हैं क्या, नहीं नहीं टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिंदी, इसके लिए मैंने बता दिया है पूरा सिलेबस वाइज आपको, मैं वहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ। अभी मैंने प्लेलिस्ट दिखाई ना द एग्जाम पर GK चैनल पर, वहाँ पर ले लें। भाई मैथ्स क्लास कब स्टार्ट हुई, मैथ्स के बारे में जल्दी आपको अपडेट दे दूंगा, ही इज़ बैक, ओके सुकी। ठीक है, क्लासेस कब से हो गए रेगुलर, रेगुलर बिल्कुल मैं कर दिए हैं ना, बुकैप की रेगुलर कर दिए, सुबह डेली 9 बजे आपको बुकैप की मिलेगी, डेली एक कंप्यूटर की मिलेगी, हिंदी इंग्लिश का मैं सोच रहा हूँ कि अल्टरनेट डे पे मैं आपको करवा दूँ। ठीक है सर, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्लासेस के टॉपिक भी अवेलेबल करा दीजिए सर, इसके लिए मैं आपको बताऊँगा, है ना, इसके लिए मैं कन्फर्म नहीं कह सकता। ठीक है चलिए, दोबारा पे करने जाएं फिर वेट करें, SBI बैंक से भी कंप्लेंट करा दिया है फिर कुछ सॉल्यूशन नहीं आया, तो देखिए अभी दोबारा मत करिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऑल पास के ऑनलाइन उस पर जाइए या NVS से कांटेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी वगैरह वेबसाइट पर अवेलेबल है नंबर, ठीक है मैंने भी बता दिया था वीडियो बना के, वहाँ से आप कर सकते हैं। NVS में गैप ईयर कोई प्रॉब्लम DV में, नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस वो क्लैरिफिकेशन मांगेंगे ऐसा क्यों किया था। ठीक है, तो उसका एफिडेविट ले आना। सर जैसे एग्जाम कब तक होगी, जून के मिड एंड तक, जैसे स्टडी मैप्स का वीडियो प्लीज़, स्टडी मैप्स क्या भाई, कोई 27 का लास्ट रजिस्ट्रेशन कितना गया, अरे क्या करोगे यार। सर आप इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी की PDF डाल दीजिए आपके नोट्स, ताकि हम लोग खुद से पढ़ के सकें, और सर आप ये भी बता दीजिए स्ट्रैटेजी वीडियो के थ्रू अभी किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहले किस सब्जेक्ट को उठाएं ताकि सिलेक्शन श्योर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में मैं पूरी एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ किस तरीके से होने वाला है ना, और PDF आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, वहाँ से ले सकते हैं। MTS का फॉर्म भरना चाहिए
कि नहीं, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर हैं और फीस बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर आपको लगता है आपकी तैयारी अच्छी है और आपको लगता है कि मैं इस लेवल पर और इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, मेरी इतनी तैयारी है और भले ही एक भी पोस्ट हो, तो आप बिल्कुल इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास पैसे हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है, आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं, तो आप इसका फॉर्म मत भरिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। यार भाई, आधार नंबर वेरीफाई हो रहा भाई, आप ये तो देखिए टेक्निकल इशू है, ये तो केवल मैंने बता रहा हूँ ना, पास वाले ऑनलाइन शॉप में जाके या NBS से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। लव यू सर, आई मिस यू वेरी मच, लव यू टू भाई, है ना। अरे रजिस्ट्रेशन करने में ही एरर हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, तो भाई आप लास्ट समय आ गया ना, तो लास्ट समय तो वेबसाइट वैसे भी बिजी जाती है, तो आप किसी ऑनलाइन वाले के पास जाएँ, ठीक है। रानू लिखते हैं, सर प्लीज़ NBS लेबर टेंडर स्पेसिफिक नॉलेज का सिलेबस बता दो सर, प्लीज़ आई बेग। चलिए, इसके लिए मैं आपको इसका पेपर दिखा दूंगा कि NBS का पेपर कैसा आया था, वहाँ से आपका इसको सिलेबस पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपका नोट कर लेता हूँ, NBS लेब अटेंडेंट, ठीक है, लेब अटेंडेंट, ओके। चलिए सर, इंग्लिश वोकेबलरी पूरी करवा दो। हाँ बिल्कुल पूरी करवा रहा हूँ, है ना। आपकी चौथी क्लास आ गई, डेली क्लास मिलेगी 9:00 बजे, लाइव क्लास होगी, ठीक है। GK GS कहाँ से तैयार करें, इसके लिए मैंने आपको बुक बेस्ट बुक वगैरह बेस्ट टीचर वगैरह बता दिए थे, और साथ ही मैं भी वीडियो लेके आऊँगा, तो वहाँ से आप देख लेंगे। ये हमारे इसके टाइपिंग डेट भी बता दो, जून के बाद आएगा आपका, ठीक है। सर मैं 13 मई को 18 साल की होंगी, तो मैं फॉर्म भर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 30 अप्रैल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, NBS JSA में EWS कौन से ईयर का चलेगा, करंट फाइनेंशियल ईयर का चलेगा, ठीक है। कौन सा करंट फाइनेंशियल का चलेगा, 30 अप्रैल तक का बना हुआ होना चाहिए आपका। भाई वीडियो में आवाज़ बहुत कम है, हाँ वो उसमें कम थी तो मैंने अब सही कर दिया। एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन, ऑनलाइन होगा भाई, है ना। हेलो सर, NBS लेबर अटेंडेंट का एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में होगा ना? हाँ बिल्कुल, बोथ लैंग्वेज में होता है, ठीक है, आपको जो चूज़ करना है वो कर सकते हैं। चलिए, JNB का सिलेबस क्या है वो बता दिया, आप देख लेना वीडियो में जाके। पेपर कब तक होगा इसके बारे में बता रखा है, 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। वापस से पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, या ऐसे कर सकते हैं क्या कि सिर्फ एक ही फीस सबमिट कर दें, या फिर दूसरे अकाउंट बनाने का क्या तरीका है? देखिए, दूसरा अकाउंट तो नहीं बनेगा क्योंकि आधार के थ्रू वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगी, वहाँ से जो भी करेक्शन आपका हो सकता है पॉसिबल, वो आप कर लीजिएगा, बाकी इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए, कट ऑफ वीडियो सेफ इसको, ठीक है, मैं इसकी वीडियो लेके आता हूँ कट ऑफ सेफ वाली की। सर ये बता दो, 3 पोस्ट सेलेक्ट करके फॉर्म सबमिट होगा, 3000 बता रहा है, तो एडिट कर सकते क्या? अब देखिए, इसमें शायद प्रीव्यू ऑप्शन से पहले एडिट का आता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, है ना। अब भाई, अब देखिए, ये सारी चीज़ें ना फॉर्म से रिलेटेड, ये भाई मैं टेक्निकल तो हूँ नहीं कि मैं NBS की तरफ से फॉर्म भरने बैठा हूँ यहाँ पर, है ना, ये तो मेरे पास नहीं है ना प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम तो आप किसी पास वाले ऑनलाइन शॉप पर जाकर या NBS के जो कॉन्टैक्ट दिए हैं वहाँ से आप इसको इशू कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक लास्ट में प्रीव्यू ऑप्शन आता है, वहाँ से आप इसको शायद करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 2 मई का वेट कीजिए, तब आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यही मैं इसके लिए ऑप्शन बताऊँगा आपको, है ना। अगला बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, ये मैं बता चुका हूँ सर। NBS MTS का सिलेबस बता दें, ये मैंने बता चुका हूँ, वो JSA का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है, और पेपर भी प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिया है, उसमें आपको मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। चलो, बाकी काफ़ी सारे कमेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे कमेंट हैं दोस्तों, लगभग सबरे वही हैं, एग्ज़ाम कब तक होगा, कब तक होगा। NBS JSA की फीस अकाउंट से कट गई है बट फील्ड से हो, दे तो सबका प्रॉब्लम हमारा भाई। और भाई, मैंने आपके पास इंस्टा पर मैसेज किया करता हूँ भाई, जवाब तो नहीं भाई, इंस्टा पर ना इतने रिप्लाई पड़े हैं मेरे को, अभी टाइम नहीं था, बट मैं आप देखने वाला हूँ आपके, तो सारे आपके जवाब मैं बनवा दे दूँगा भैया। ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाओ, स्पेशल GK कंप्यूटर इंग्लिश नहीं, हाँ आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं धीरे धीरे, तो वैष्णवी जी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ईयर और NBS लेबर अटेंडेंट का एग्ज़ाम कब तक होगा, जून के मिड या लास्ट तक हो जाएगा आपका, ठीक है। लगभग मैंने आपके सभी के लिए दे दिया दोस्तों, है ना, ठीक है। चलिए, यानी भाई JSA का पेपर कब तक होगा, बता तो दिया जून के मिड या एंड तक हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग मैंने दोस्तों सभी के यहाँ पर लगभग जवाब देने की कोशिश की है आपकी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो पर जो कमेंट आएंगे उसके भी इसी तरीके से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे यूट्यूब चैनल दोनों, टेलीग्राम दोनों, वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।